पे लॉन्ग टर्म शेयर्स में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हो चुकी हैं करीब करीब 6 महीने पहले के आसपास, और इसके जो सीईओ एमडी हैं वी वैद्यनाथन साहब, जो पहले आईसीआईसी बैंक में थे और रिटेल बैंकिंग को लेकर ये काफ़ी उन्होंने फोकस किया था और आईसीआईसी बैंक को आगे लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो मैनेजमेंट को लेकर ज़बरदस्त यहाँ पे मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और उसमें कोई दो राय नहीं। आगे आने वाले समय में बैंक एक अच्छी दिशा तय कर सकता है। अब हम बेसिक चीज़ें कुछ बातें करना चाहेंगे कि बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियाँ होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, रिटेल को लेके जितनी भी ज़्यादा बैंकें या एनबीएफसी की जो कंपनियाँ फोकस्ड हैं उनमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनकी कमाई का, और उन्हीं की कमाई के साथ जो निवेशक होते हैं उनको भी अच्छा रिटर्न मिलने की बहुत गुंजाइश होती है। जैसे कि बजाज फाइनेंस क्या करती है, छोटे छोटे लोन देती है, मोबाइल लोन ले लो, लैपटॉप लोन ले लो, हाउसिंग लोन ले लो, रिटेल लोन पे ज़्यादा फोकस है उनका। इसी प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक है एचडीएफसी बैंक, वो भी रिटेल पे काफ़ी फोकस्ड है बजाय होलसेल या कॉरपोरेट बैंकिंग के। अब ज़्यादातर जिन बैंकों ने कॉरपोरेट लोन दिया हुआ है, जैसे कि यस बैंक या जितने भी अभी इनके हालत ख़राब है, तो क्या होता है कि उनका एनपीए बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसका रीज़न है कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को जो लोगों को पैसा दिया तो वो लेके भाग गए, या फिर उन्होंने कंपनियों ने पैसे रिटर्न नहीं किया, डूब गई, तो इनको लॉस दिखाना पड़ता है प्रोविजनिंग के तहत, तो इस वजह से इन बैंकों की हालत ख़राब है। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी जो इस समय है ये अपने आप को अंदर से सुधार रही, क्योंकि जो इनका मैनेजमेंट है जब दोनों मर्ज हुई तो अभी ये भी लॉस इन्होंने दिखाया, लेकिन हम इसके बहुत पास्ट के रिजल्ट्स नहीं देख सकते फाइनेंशियल, क्योंकि अभी दोनों मर्ज हुई हैं। अब आने वाले समय में दिशा तय होगी 2-3 क्वार्टर में कि बैंक किस दिशा में जा रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये मल्टी बैगर एक बैंक साबित हो सकता है, उसका रीज़न है कि अभी छोटी प्राइस का है लेकिन मैनेजमेंट इनका ज़बरदस्त है। तो होगा क्या कि अगर भविष्य में सुधार आ गया, जैसे कि कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि होता क्या है कि ये जो बैंक है अगर ब्रांचेस इंक्रीज करेंगी तो इनका कासा भी बढ़ेगा, और जब इनके पास अच्छा फंड आएगा तो होता क्या है कि ये बैंकिंग कंपनियां जो होती हैं, बैंक्स होती हैं, पैसा लेके पैसा देती हैं, तो उस पर जो इनको बीच में कमाई होती है ब्याज में, वही इनको प्रॉफिट होता है, वही इनको मार्जिन का लाभ मिलता है। तो आईडीएफसी बैंक भी वैसी है जैसी कि सारी बैंक हैं एक प्राइवेट सेक्टर की, ये भी वैसा, लेकिन अभी एक छोटी प्राइस का बैंक है, अभी ये ऊपर उठ रहा है, 2-3 साल पहले ही इसको बैंकिंग का लाइसेंस मिला है। तो मैं तो अभी कहूँगा कि आने वाले समय में या तो आप वेट कर सकते हैं कि हम 2-3 क्वार्टर का वेट कर लें कि हो सकता है स्टॉक प्राइस थोड़ा सा महंगा भी मिले, या फिर अगर हमारे पास कुछ फंड है कि हम बैंकिंग सेक्टर में लगाना चाहते हैं या हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपना पैसा डालना चाहते हैं या फंसाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क इसलिए नहीं ले सकते कि आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि अभी ये 52 वीक के लोक पे ही खड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि टूट जाएगा। आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स में आने वाला सुधार ही है, तो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आने की हम ऐसी संभावना कर सकते हैं। तो आइए हम फाइनेंशियल भी देखेंगे और आगे हम बताएंगे कि इसमें और भी क्या कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति है, आज जो है 42 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है, आज है 16 जुलाई 2019 और इस समय हो चुका है 1 बज चुके हैं, और इसमें जो मार्केट कैप है 20,253 करोड़ की है, यानी कि एक लार्ज कैप है और ट्रेडिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। फेस वैल्यू 10 की है अभी भी, एक साल के जो रिटर्न है यहाँ पे 16% के आसपास है, तो बढ़िया है। 6 महीने में 10% के नेगेटिव रिटर्न है। पी रेशियो अभी यहाँ पे नहीं दिखाया गया, अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे नेगेटिव में है। प्राइस टू बुक 1.11 का और डिलीवरी 38% के आसपास है, डिविडेंड भी इन्होंने पे किया हुआ है। और अगर हम रिटर्न में हम अभी इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अभी 3 साल पहले ही ये बैंक आई है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो 40% प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर यहाँ पे गिर भी नहीं है।
नौ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं, FIIs 172 हैं। तो एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें घुसे हुए हैं और इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है, थोड़ा सा हमारा भी भरोसा इस पर बढ़ता है, क्योंकि अभी ये अपने बॉटम पे ही है और कुछ लोग जो ले रहे हैं या बाइंग हो रही है अच्छी खासी, तो ठीक ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 20% के आसपास, हम जैसे खुदरा ग्राहक, और यहाँ पर इंक्रीज़ भी हुई है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और इंश्योरेंस कंपनियाँ भी यहाँ पर थोड़ी सी हैं, म्यूचुअल फंड मैंने बता ही दिया। तो ज़बरदस्त कंपनी है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी हम इस पे चाहे तो वेट कर सकते हैं एक दो क्वार्टर के, और अभी जून वन क्वार्टर वन के भी रिजल्ट्स आने वाले होंगे, उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसके बाद रणनीति बना सकते हैं। तो दिसंबर 18 हम इस क्वार्टर के रिजल्ट देख ही लेते हैं। दिसंबर 18 से मार्च 19 में देखिए, इंटरेस्ट अर्निंग में भी यहाँ पे इनको डाउनसाइड है 0.96% के आसपास, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 8.60% के आसपास डाउनसाइड है, और NPA भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ग्रॉस NPA भी इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने दिखा तो ज़रूर रखे हैं कि 85.82%, वो इसलिए कि जो दिसंबर 18 में 1538 का इन्होंने लॉस दिखाया था, वो लॉस कम करके इस बार 218 का लॉस दिखाया है मार्च 19 में, इस वजह से इनका जो है लॉस कम हुआ। लेकिन प्रॉफिट में अभी नहीं है कि इनका टोटल प्रॉफिट इतने करोड़ बचा हुआ है, लॉस में ही है लेकिन कम है। इस तरीके से रिटर्न भी हमने दिखाया। तो वैल्यूएशन की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, आपका टारगेट है कि 3 साल 5 साल 10 साल, तो नो डाउट अभी इस वक्त ख़रीदने का अच्छा समय है। अच्छा, हुआ क्या था, कुछ लोगों ने जो बाइंग की होगी 52 के आसपास, जैसा कि अभी इसका भाव चल रहा है, अभी मैं करंट स्टेटस का दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, हाँ ये 41 रुपया 90 पैसा BSE पे आज ये ट्रेड हो रहा है 16 जुलाई 2019 को 1 बजे के आसपास, और ये हाई जो बनाया था साल का 56, मतलब 56 रुपये तक गया था। तो हो सकता है कुछ लोगों ने 51, 52, 53, 54 रुपये के आसपास काफ़ी बाइंग की हो, तो नो डाउट वो होल्ड करें लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं कि इसमें आपको लॉस हो जाएगा। मानता हूँ 15 से 20% के आसपास का आपका लॉस बन रहा है इस समय, लेकिन चाहें तो आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं, या थोड़ी थोड़ी बाइंग करें। पूरा पैसा कभी मत डालिए, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि पूरा पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर एक स्टॉक में डालें, कभी सजेस्ट नहीं करता। मैं हर बार इसलिए कहता हूँ ताकि हो सकता है आपको लगता हो कि बार बार यही बात आप बताते हैं, इसलिए कि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको भी अच्छी बातों को बार बार इतनी बार कहा जाए कि आपको ज्ञान हो जाए कि नहीं यार, हमें ये ऐसा करना ही चाहिए, स्ट्रेटजिक टू थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 41 रुपये के भाव पे है और लो बनाया था इसने 32 रुपये के आसपास। तो जो लोग चाहें इस लेवल पे ही बाइंग कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर और नीचे के लिए, मान लीजिए अभी अगले क्वार्टर आ गए उसके रिजल्ट्स और उसमें भी उन्होंने ज़बरदस्त लॉस दिखाया, तो अगर और नीचे के लेवल मिलता है तो भी बाइंग करें। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है, जिस प्रकार से इनका मैनेजमेंट है, कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये अच्छा करेगी, लेकिन हम 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद ही कह सकते हैं। और हाँ, तो फ्रेंड्स बस यही मैं कहना चाह रहा था कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, लेकिन लंबे समय में कब, 5 से 10 सालों में हो सकता है कि आपको ये 40 रुपये का स्टॉक 400 में मिल जाए, 400 रुपये आपको भाव में मिले 10 साल बाद या 5 साल बाद, कुछ भी हो सकता है। बैंकों पे ही हर इंडस्ट्री निर्भर है, सारे जितने भी व्यवसाय हैं सब बैंकों से निर्भर है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है कि जैसे कि RBI की तरफ से कभी ब्याज दर में कटौती हो जाती है, कभी जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल मनी ट्रांसफ़र को बढ़ाने के लिए वो चार्जेस ख़त्म कर दिए जो निफ्ट वगैरह के थे, तो इन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं और इनको करोड़ों कमाई होती है उससे, तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट में फ़र्क पड़ता है, मार्जिन में फ़र्क पड़ता है, बैलेंस शीट में फ़र्क पड़ता है, तो इस वजह से शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी डाउन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।